असलकम टुडे इज़ लेक्चर नाइन इन द इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग कोर्स अब तक उम्मीद तो यह है कि जी आप एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स बन गए होंगे नहीं तो कुछ और टूल किट के अंदर चीज़ें डालते हैं लेकिन रिमेंबर आई मैंशन लास्ट टाइम दैट योर टूल किट इज़ एसेंशली कम्प्लीट अब आपको डिसीजनस प्रोग्राम करने आते हैं आपको लूप्स प्रोग्राम करनी आती हैं और सीकुंस तो है ही कि जी जस्ट अ सिंपल ऑर्डर लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनस इन तीन चीज़ों से सारे प्रोग्राम्स लिखे जा सकते हैं अब उन प्रोग्राम्स को हम जरा आगे चलते हैं और रिफ़ाइन करते हैं और देखते हैं कि जी और क्या टूल्स हम ऐड करें तो हमारी प्रोग्रामिंग ज़िंदगी जो है वो ज़रा आसान हो जाएगी सो so, आज के जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर हम मेजर पोर्शन जो है वो फंक्शनस के ऊपर टाइम लगाएँगे और ये फंक्शनस क्या होते हैं सी जो है वो आप पढ़ा भी होगा और सुनेंगे भी कि वो फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है व्हाट डज दैट मीन वट इट मीन्स इज दैट ऑल सी प्रोग्राम्स आर कम्पोज ऑफ फंक्शंस ठीक है यू बिल्ड अ बिग प्रोग्राम अ बिग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आउट ऑफ स्मॉलर प्रोग्राम्स ईच वन ऑफ देम इज़ कॉल्ड अ फंक्शन हाउ इज़ दैट एडवांटेज टू अस देखिए हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अगर देखें कोई भी एक टास्क ले लें कोई रीज़नेबल साइज़ का काम जो है तो आप देखेंगे कि उसको टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम किया जा सकता है हर टुकड़ा जो है वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करके अगर एक तरतीब से किए जाएँ तो टास्क एक्म्प्लिश हो जाता है मिसाल के तौर पर समझें हमने एक लैब्स स्टूल बनाना है ठीक है लेबॉर्ट्री का स्टूल आपने देखा होगा एक सीट है उसके ऊपर नीचे तीन टांगे लगी हुई हैं बाय द वे कभी सोचा है कि स्टूल की तीन टांगें क्यों होती हैं चार क्यों नहीं होती हैं हाँ चार वाले स्टूल चार टांगों वाले स्टूल भी बनते हैं लेकिन थिंक अबाउट इट दस अ प्रॉब्लम विद दैम ओके दैट वॉज एन साइड जस्ट थिंकिंग अबाउट एवरीडे अफेयर्स नन लेस लेट्स गो बैक टू द प्रॉब्लम ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ स्टूल अब स्टूल बनाने के लिए हमें क्या करना है हम एक सीट तैयार करें ये हम लकड़ी के काम की बात कर रहे हैं और फिर उसके लिए तीन टांगे बनाएं और फिर उनको असेंबल करें तो स्टूल बन जाता है देखें मेजर प्रॉब्लम जो था या मेजर टास्क जो था वो है स्टूल बनाना और फिर उसके सब टास्क अगर देखें तो क्या हैं कि जी एक टास्क है सीट बनाना और एक टास्क है टांगे बनाना टांगे अगर हमने कहा तीन बनानी हैं और वो आइडेंटिकल हैं तो यू कैन इवन थिंक ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ कि जी एक काम तीन दफ़ा किया जाएगा एक उसकी लेग फैशन करें फिर दूसरी लेग फैशन करें उसी तरीके से और फिर तीसरी बनाएं आइडेंटिकल और फिर एक टास्क रह जाता है असेंबली का सो वी हैव टेकन अ स्लाइटली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड ब्रोकन इट डाउन इन टू सिंपलर पीसेज दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल डिज़ाइन और एज वी कॉल इट टॉप डाउन डिज़ाइन जब भी हम टॉप डाउन डिज़ाइन की बात करते हैं हम यही बात कर रहे हैं कि जी पहले प्रॉब्लम को ऊंचाई से देखें दूर से देखेंगे कि प्रॉब्लम है क्या क्या चीज़ हमने हल करनी है फिर उसको रिफाइनमेंट के तरीके आई मीन कम डाउन रिफाइन इट वन स्टेप इन से ऑल राइट लेट्स ब्रेक इट अप स्मॉलर वंस अपर टेकन दैट स्टेप देन वी गो डाउन इन से डिवाइड इन टू फर्दर स्मॉलर पीसेज यू कीप ऑन डूइंग दैट टिल द स्मॉलेस्ट पीस इज़ अ वेरी वेरी मैनेजेबल टास्क ठीक है ना आप कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लें घर बनाने का एग्ज़ाम्पल है तो उसको टॉप लेवल से देखेंगे तो जी एक घर बनाना है ठीक है उससे नेक्स्ट लेवल पे आएंगे तो कहेंगे कि जी इसका नक्शा होना चाहिए और नक्शे के मुताबिक फिर कमरे बनने चाहिए कमरा कैसे बनता है कि जी उसकी दीवारें बननी चाहिए और छत डलनी चाहिए दीवार कैसे बनती है तो जी ईंटें लगती हैं और सीमेंट लगता है चुनाई होती है ठीक है ना उसके बाद दरवाजे लगते हैं खिड़कियाँ लगती हैं

और फिर ये जब टॉप डाउन अनालिसिस और डिज़ाइन हो जाता है फिर हम उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं जो कि दूसरी तरफ को चलती है तो आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स जिनको हम सी में फंक्शंस कहते हैं वो फंक्शंस लिखते हैं और फंक्शंस जो हैं उनको असेंबल करते करते हम प्रोग्राम बना लेते हैं इसके अंदर ये फंक्शन क्या है और फिर उसके अंदर हम उसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं डिक्लेयर कैसे करते हैं उसको क्या चीज़ भेजी जाती है वो क्या चीज़ वापस देता है इसके बारे में हम आज बात करेंगे लेट्स टेक अ लुक एट अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम जिसको हम सब टास्क में कन्वर्ट करते हैं सपोज मैं बैठा हुआ मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चल जाए कि जी इस वक्त वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कितने स्टूडेंट्स ऑनलाइन बैठे हुए हैं यानी हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं तो आई कैन कॉल आर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एन से जी गिव मी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लॉग इन टू द वर्चुअल यूनिवर्सिटी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वो चला जाता है वो अपनी कमांड देता है डेटा में देखता है या देखता है नेटवर्क एक्टिविटी कितनी हो रही है और उसके बाद उसके पास स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाती है जो इस वक्त लॉग इन है वो लिस्ट की गिनती करता है एंड ही कम्स बैक आफ्टर अ वाइल सेज कि जी इस वक्त 2300 स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन बैठे हुए हैं अब देखें इस वह प्रोसेस में हुआ क्या है मैंने एक रिक्वेस्ट की है और वो रिक्वेस्ट एक वेल डिफाइंड एंड रिक्वेस्ट थी मुझे चाहिए कितने स्टूडेंट्स इस वक्त ऑनलाइन बैठे हुए हैं द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ गॉन ऑफ परफॉर्म द टास्क एंड देन कम बैक विद द रिजल्ट दो तीन चीज़ें हुई एक तो एक मॉड्यूलर चीज हो गई सम बॉडी इवेंट ऑफ एंड वेल डिफाइंड टास्क आई ऑन द अदर हैंड कुड हैव यूज दैट टाइम टू डू सम एल्स इसको पैरेलल प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग भी कह सकते हैं और कई लैंग्वेजेस जो हैं इस फेस इसकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि जी हो सकता है कि जब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने क्वेरी की तो उसके पास स्टूडेंट्स की लिस्ट आई जिसको उसने गिना था मुझे उस लिस्ट से कोई गर्ज़ नहीं है सो दैट इंफॉर्मेशन आई डू नॉट नीड एंड आई डोंट वॉन्ट टू सी इन अ वे दैट इंफॉर्मेशन वॉज हिडन फ्रॉम मी मेरे से वो छुपी हुई थी इंफॉर्मेशन सो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग या इनकेप्सुलेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फंक्शन कॉल कि जी जिस चीज़ का मेरे साथ गर्ज नहीं है वो मेरे पास क्यों आए मैं उसको क्यों हाथ लगाऊँ मैं उसको क्यों देखूँ सो आई है डेलीगेटेड अ टास्क ही वेंट आउट ही परफॉर्म्ड इट ही केम बैक एंड गिव मी द रिजल्ट नाउ इन ऑल ऑफ दिस फॉर एक्जाम्पल मैं इसको छोटा सा क्वालिफाई कर दूँ ताकि हम आगे चल सकें कि जी मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि जी सी एस टू जीरो वन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में कितने बच्चे इस वक्त लॉग इन हैं सो नाओ इफ यू थिंक अबाउट इट वॉट हैज है आई हैव गिवन आर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट एंड आई हेव ऑल्सो प्रोवाइडेड हिम सम इन्फॉर्मेशन आई सेट सी एस टू जीरो वन एंड देन ही हीज़ गॉन बैक ही इज डन सम प्रोसेसिंग एंड ही इज़ कम बैक विद द आंसर ओके सो दे समथिंग वेंट आउट एज इंफॉर्मेशन डेटा कहले and something came back as data which is the result that I wanted। जो C में function calls होती हैं वो इसी तरीके से कुछ उसको parameters दिए जाते हैं arguments pass होते हैं to the function। function अपने तौर पर उन arguments को इस्तेमाल करता है कुछ उनके ऊपर processing करता है और फिर एक result जो है वो calling program को वापस पहुँचा दिया जाता है और जो फंक्शन अपने नहीं अंदर काम जो कर रहा है उसका कॉलिंग प्रोग्राम के साथ कोई गर्ज नहीं है

In a way, you already know what a function is. It has a name, it has a, an opening brace, curly bracket, or it has an ending brace, uh, an ending bracket, or there is a body hai, which performs the task. So, we already know how to write functions. There si are enhancements hai, unki hum baat we will talk Before getting completely into the nitty-gritty of the function definition, there se points apne mein clear. Kar liye पहले हमने बात की है टॉप डाउन मेथडोलॉजी की इसका दूसरा नाम है डिवाइड एंड कॉन्कर बड़ा प्रोग्राम लें और प्रॉब्लम लें उसको डिवाइड करें एंड कॉन्कर इट ठीक है साथ साथ अगर आपको याद हो तो राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द द कोर्स मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था कि जी वो एक रिंग का अगर एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सो दैट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर री फंक्शंस उसके कैटेगरी में भी आते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस हवाले से कि जी कोड का री यूज़ जो है वो हम फंक्शंस के ज़रिए से करते हैं अब देखते हैं कि जी फंक्शन की एक्चुअल कॉल की सिंटैक्स वगैरह क्या होता है फंक्शन जो हैं वो दो कैटेगरीज़ के होते हैं या वो कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं या वो नहीं करते इन अदर वर्स द फंक्शन इट इज़ ऑप्शनल इट कैन रिटर्न अ वैल्यू और इट नीड नॉट रिटर्न अ वैल्यू इफ़ इट रिटर्न अ वैल्यू दैन द वैल्यू विल बी ऑफ अ स्पेसिफिक डेटा टाइप सिंपल एज देट यानी अगर मैं कहता हूँ एक फंक्शन है मेरे पास वो इस किसी नंबर का स्क्वेयर करके वापस करता है तो अगर नंबर इंटेजर है तो इंटेजर का स्क्वेयर जो है वापस आएगा तो वो भी इंटेजर होगा सो द फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू ऑफ टाइप इंट और इट कैन रिटर्न अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल और एनी ऑफ द अदर सी डेटा टाइप्स उसके बाद एक हम रिटर्न वैल्यू एक बात हो गई उसके बाद फंक्शन का नाम है ये मैं कॉलिंग कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ और फिर फंक्शन को हमने शायद कोई इंफॉर्मेशन देनी हो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जी मैंने कहा था सी एस टू जीरो वन के स्टूडेंट्स का बताओ तो सी एस टू टू जीरो आर्गूमेंट टू द फंक्शन व्हेन वी राइट द नेम ऑफ अ फंक्शन और द डलोरेशन ऑफ अ फंक्शन वी स्टार्ट विद द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन सो फॉर एक्जाम्पल इफ़ द फंक्शन इंटीजर वी राइट इंट

मेन एज अ फंक्शन कैन एग्जिस्ट विदाउट एनी आर्गमेंट्स इसी तरीके से फंक्शन किसी भी फंक्शन के लिए आर्गोमेंट्स का होना लाजमी नहीं है बट यूजली यू विल फाइंड दैट देर इज़ वन और मोर आर्गमेंट्स दैट आर पास टू द फंक्शन सो पैरेंथिस के बाद आर्गमेंट्स की लिस्ट आती है और फिर पैरेंथिस बंद कर दिए जाते हैं ये आर्गमेंट लिस्ट कैसे लिखते हैं यहाँ पर डिक्लरेशन और डेफिनेशन में थोड़ा सा फ़र्क आएगा वो मैं आगे चल के बताऊँगा लेकिन बेसिकली ये एक फंक्शन है उसको इंटीजर पास होना है तो विद इन द पैरथिस वी विल राइट इंट ठीक है ना इंट के साथ एक्स आई वट एवर द नेम ऑफ द वेरिएबल दैट इज़ बींग पासड और वाट इज गोइंग टू बी यूज इन द फंक्शन थोड़ा सा इसी वक्त हम बात कर लेते हैं डेक्लेशन की और डेफिनेशन की देखें जिस तरह हमने हम कहते हैं इंट आई इन अ प्रोग्राम दैट इज़ द डेक्लेशन ऑफ एन इंटेजर दैट इज एन इंडिकेशन कि जी ये एक एक इंटीजर के लिए जगह रिज़र्व कर लो ये कहीं पे क्रिएट होगा और इस्तेमाल होगा इसी तरीके से फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए पहले उसको डिक्लेयर करना लाजमी है अगर आप ये थोड़ी सी ट्रिकी बात है लेकिन आप इस्तेमाल करेंगे तो आदत हो जाएगी अगर हम फंक्शन एक लंबी फ़ाइल के अंदर ऊपर एक फंक्शन डिक्लेर करें और बाद में उसको इस्तेमाल करें किसी और फंक्शन में लाइक मेन में से तो फिर उसकी डेक्लेशन और उसकी डेफिनेशन वो एक जगह पे इकट्ठी हो सकती हैं अगर हम उनको डिफरेंट तरीक़े से इस्तेमाल करना चाहें और ये फिर आपका प्रोग्रामिंग स्टाइल आएगा कि जी फंक्शन हमने एक और फ़ाइल में लिखे हुए हैं सारे लेकिन मेन अलीहदा से लिख रहे हैं वो एक और फ़ाइल में पड़ा हुआ है और मेन उन फंक्शंस को इस्तेमाल करता है तो मेन कंपाइल नहीं किया जा सकता या उसमें आप फंक्शन को रेफ़र भी नहीं कर सकते जब तक मेन को पता ना हो कि फ़ंक्शन की नोयत क्या है ये, इसको क्या आर्गूमेंट्स भेजने हैं इसने रिटर्न क्या करना है उस वास्ते हम एक फंक्शन की डेक्लरेशन मेन से ऊपर डाल देते हैं दैट डेक्लरेशन यूजली इज़ अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट ऑफ द टाइप जिसमें रिटर्न टाइप दे देते हैं फिर फंक्शन का नाम दे देते हैं परेंथिसिस के अंदर हम लिस्ट दे देते हैं ऑफ़ द आर्गूमेंट टाइप्स इज नो नीड टू नेम द आर्गूमेंट्स वी कैन जस्ट राइट इंट ठीक है ना इंट कॉमा इंट कॉमा डबल अगर तीन आर्गूमेंट्स देने हैं एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट द डेक्लेशन ऑफ द फंक्शन एंड में सेमीकॉलन जरूर आएगा उसके बाद मेन या किसी और फंक्शन में हम उस फंक्शन को रेफर कर सकते हैं ठीक है ना वी कैन यूज़ दैट इन एन एक्सप्रेशन और फिर जब डेफिनेशन की बारी आती है तो डेफिनेशन मीन्स कि जी फंक्शन को एक्चुअल बताएं कि जी वो करता क्या है वहाँ पर आप डेक्लरेशन वाली लाइन ही तकरीबन कॉपी कर लेते हैं तकरीबन इस वास्ते मैंने कहा कि जब आप आर्गूमेंट्स की बारी आएगी तो आर्गूमेंट्स में अब आप वेरिएबल्स के नाम डालेंगे सो नाव यू कान से इंट कॉमा इंट एज द आर्गूमेंट लिस्ट यू हैव टू से समथिंग लाइक इंट आई कॉमा डबल जे समथिंग लाइक दैट जो भी चाहिए हो फंक्शन को सो वंस दैट इज़ डन फिर उसका ओपनिंग ब्रेस आएगा फिर अंदर जो भी फंक्शन ने प्रोसेस करना है वो होगा और फिर क्लोजिंग ब्रेस आएगा ना वी गो बैक एंड थिंक अबाउट वॉट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन एंड हाउ इज दैट रिटर्न टू द कॉलिंग प्रोग्राम देखें अगर हमने कहा कि जी एक छोटा सा फंक्शन लिया और वो एक लेट्स ए नंबर का ना स्क्र करके वापस करता है एंड लेट्स ए टिंग इंटर्स सो वी आर गोइंग टू से समथिंग लाइक इंट स्क्र पर स्क्वेयर इज द नेम ऑफ द फंक्शन ये हमने अपनी तरफ से दिया इट्स लाइक द वेरिएबल नेम एंड ऑफकोर्स अगेन वी कांट यूज़ अ सी रिजर्व वर्ड फॉर दिस फॉर द फंक्शन नेम ये जो मैंने अभी लाइन बताई है इंट स्क्वेयर इंट ये तो होगी फंक्शन की डेक्लेशन अब अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाए तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि जी इंट स्क्वेयर फिर पैरेंथिस के अंदर इंट आई इसका मतलब है कि जी स्क्वेयर को एक इंटीजर पास किया जा रहा है उसका नाम यानी वेरिएबल नेम इस आई फिर ब्रेसेस आएंगे अब इस प्रोग्राम के अंदर या इस फंक्शन के अंदर हमने आई का स्क्र लेना है वो तो सिंपल है आई टाइम्स आई कर लें ठीक है स्क्वेयर तो लेना हमें आता है लेकिन इसको वापस भी करना है वापस करने के लिए देर इज़ अ स्पेसिफिक सी स्टेटमेंट इट इज़ कॉल्ड रिटर्न आर ई टी यू आर एन यानी वापस करो सो वट वी डू इज समथिंग लाइक रिटर्न एंड देन वॉट एवर वैल्यू वी वॉन्ट टू रिटर्न वो उसके आगे लिख दी जाती है और एंड पे कोलन रिमेंबर द टाइप ऑफ द फंक्शन विच से तो रिटर्न के बाद इंटीजर ही होना चाहिए इन दिस केस द एग्जाम्पल दैट वी वर्किंग विद इट्स वेरी सिंपल वी जैसे रिटर्न आई टाइम्स आई सो आई स्टार आई सेमीकोलन वहीं पर कैलकुलेट होगा वही फंक्शन की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी एज ऑलवेज दिस फंक्शन कैन अक ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट और कैन अकर ऑन एन अ लाइन बाई इट सेल्फ यूजली फंक्शन दैट रिटर्न वैल्यूज दे डू नॉट अकर ऑन अ लाइन बाई देल्फ देर नॉर्मली पार्ट ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट अगर इस चीज़ को थोड़ा सा सोच लें देखें बहुत पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी असाइनमेंट स्टेटमेंट के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर सिंपल वेरिएबल ही हो सकता है एक्सप्रेशन नहीं हो सकती उसी रूल को अगर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें असाइनमेंट स्टेटमेंट के लेफ्ट साइड के ऊपर फंक्शन नहीं हो सकता वहाँ पे फिर सिंपल वेरिएबल वेरिएबल ही होगा जिसको एक वैल्यू असाइन की जा रही है ऑन द अदर हैंड द राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट स्टेटमेंट वी आर कंप्लीटली फ्री टू डू विद वट एवर वी वॉन्ट वी कैन हैव अ सिंपल वेरिएबल वी कैन हैव अ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन वी कैन हैव अ फंक्शन कॉल वी कैन हैव अ फंक्शन कॉल एज पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन वी कैन हैव मेनी फंक्शन कॉल्स सो मैनी थिंग्स कैन बी डन फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को अगर लें जिससे हम काम कर रहे थे इसको लेट से कि जी एक्स मेरे पास एक और वेरिएबल है ऑफ टाइप इंट जिसके अंदर स्क्र के वैल्यू स्टोर की जाएगी तो ये फंक्शन कॉल जो है ये कुछ इस तरह से हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू रिम्बर इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल इक्वल टू की बात हो रही है सो वी विल राइट एक्स इक्वल टू स्क्र आई सेमिकॉलन और आई जो है वो पैरेंथिस के अंदर लिखा हुआ है So the whole mechanism of the function call is you name the function and you list the arguments, the variables that are going to be passed to that function. The function then does a computation and returns a value. When the value is returned, to equal to sign be value ko x kasath associate kardi yani x will be assigned that value. There can be many functions that do not return need to return a value, and therefore

अरेथमेटिक ऑपरेटर्स मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस मॉजुलो ख़त्म स्पास्ट लैंग्वेज के नुकसान भी हैं नुकसान ये है कि जी मैं अगर किसी नंबर को रेज टू द पावर करना चाहूँ तो अनफॉर्चुनेटली कोई ऑपरेटर नहीं है मेरे पास जिससे मैं उसको एक्स टू द पावर एन कर सकूँ उसके लिए हमें फंक्शन लिखना पड़ता है सो देट इज़ बाई वैन पीपल टॉक अबाउट सी बिंग अ फंक्शन औरिएंटेड लैंग्वेज दिस वॉट द मीन यू राइट अ फंक्शन फॉर एवरी थिंग फंक्शन कैन बी अ सिंगल लाइन It can be a page, it can be two pages, it can be as complex as you want it. Let us take this problem. We want to raise an arbitrary real number to an integer power. So x to the power n ham late, where x is hai wo floating point number hai, the double hai or n an integer hai. Uskili function lick ka jai. Pellethi so chang ki ek number ki power kasilija ti hai. Okay. What do you think? It's pretty straightforward. एक्सक्वेड इज़ x मल्टीप्लाइड बाई x. एक्स क्यूब इज़ x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x. यानी उस नंबर को अपने साथ उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है जितनी हमें पावर चाहिए सो so, अब अगर हम एक फ़ंक्शन लिखना चाहें जो कि किसी नंबर को रेज टू द पावर n कर सके तो उस फंक्शन को हम भेजेंगे क्या पहले तो ये सोचें सो so, हम उसको नंबर भेजेंगे और फिर वो पावर भेजेंगे ये दो चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे एज़ आर्गमेंट्स टू द फंक्शन उसके बाद वो अपनी जो भी कंप्यूटेशन करता है वो हमें वापस क्या देगा वापस वो देगा रिजल्ट सो so, अगर नंबर एक रियल नंबर हमने भेजा है वी एक्सपेक्ट द आंसर टू ऑल्सो बिक बी अ रियल नंबर सो इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन डेक्लेशन इट विल हैव अ रिटर्न टाइप ऑफ डबल लेट्स गिव इट अ नेम लेट्स से वी कॉल इट रेज टू पावर और रेज टू पाव पी ओ डब्ल्यू ठीक है ना कीप इट शॉर्ट रेस टू पावर फिर उसके आर्गूमेंट्स आ जाएंगे आर्गूमेंट्स होंगे एक डबल होगा लेट्स ए डबल एक्स और फिर कॉमा और फिर पावर देनी है सो दैट्स एन इंटिजर बाय डेफिनेशन बी से इंट आई या इंट पावर कह देते हैं लेट्स बी डिस्क्रिप्टिव ठीक है रूल्स ऑफ गुड प्रोग्रामिंग यूज डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम्स सो एंड देन दरेंथिस क्लोजिस अब उसकी बॉडी की तरफ आ जाते हैं सो ओपनिंग कर्लिंग ब्रेस कर्ली ब्रेस आया उसके बाद हमने कहा कि जी कहीं पे कोई स्टोर करने के लिए चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे हम रिज़ल्ट जो है वो स्टोर कर सकें द रिज़ल्ट विल बी ऑफ टाइप डबल सो वी से डबल रिजल्ट सेमी उसके बाद वी जस्ट हैव टू रन अ लिटल लूप सेइंग इसको अपने साथ इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करो अगेन आईड मैंशन समेट वेन एवर वी डूइंग एन एडिशन एक्सरसाइज फाइंड द सम ऑफ सर्टन नंबर्स तो यूजली जो रिजल्टिंग मेमरी लोकेशन होती है उसको हम इनिशलाइज ज़ीरो से करते हैं और जब भी हमने कोई मल्टीप्लिकेशन वाला काम करना हो ये डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम बट मैं एक हिंट या टोटका जिसको कहते हैं ना वो आपको बता रहा हूँ तो मल्टीप्लिकेशन वाले काम में हम यूजली वन से शुरू करते हैं तो अब मुझे एक लूप चलानी है पावर टाइम्स वो चलेगी सो so, एक लूप काउंटर भी चाहिए दैट इज़ यूजली एन इंटेजर सो वी से इंट आई ठीक है ना आई इज़ स्मॉल इट इज़ कन्वेंशन The name doesn't mean much, okay? So we're in a way violating a little rule, saying that the variable name should mean something. You could call int counter bhi isko sakte the. but i, j, k, traditionally traditionally nam names for integer variables usually used to control loop counters. So we will use i. So we say double result semicolon int i semicolon. Uskabad, let's initialize the value of result. The result starts with the value one. so से रिजल्ट एक 1.0 पॉइंट जीरो सेमी कॉल में ये वन पॉइंट ज़ीरो मैंने इस वास्ते लिखा है कि इफ़ आई इट सेट रिज़ल्ट एक वन तो वन एज इट स्टैंड इज इन इंटेजर कंपाइलर खुद ही उसको एडजस्ट भी कर देगा उसको उसे कहते हैं प्रोमोट कर देगा फ्रॉम इंटेजर टू डबल और फिर असाइन हो जाएगा बट लेट्स बी एक्सप्रेस हम चाह रहे हैं कि जी रियल नंबर इस्तेमाल हो तो हम वन लिख देते हैं उसके बाद हम करेंगे क्या हमारे पास नंबर आया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ द वेरिएबल कॉल्ड एक्स जो आर्गूमेंट लिस्ट में आया था वो विद इन द फंक्शन इस्तेमाल हो सकता है तो हम कहते हैं कि रिजल्ट को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो रिजल्ट वन से शुरू हो रहा है एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो रिज़ल्ट में वैल्यू एक्स आ जाएगी और फिर उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो रिज़ल्ट में वैल्यू एक्स स्क्ड आ जाएगी फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो एक्स क्यूब्ड हो जाएगा एंड सो ऑन कितनी दफ़ा करना है पावर टाइम्स पावर कौन सी चीज़ है वो जो आर्गमेंट पास हुआ था हमारे पास कॉलिंग प्रोग्राम की तरफ से इंटीजर के तौर पे सो बाय नाउ होपफुली यू नो हाउ टू राइट लूप्स सो इट्स अ सिंपल लूप वी कैन यूज़ वाइल वी कैन यूज़ फॉर वी कैन यूज़ वॉट वी वांट इन दिस केस लेट अस यूज़ अ फॉर लूप सो वी से रिजल्ट इक्वल्स वन वन वो इनिशलाइजेशन होगी फिर हम फॉर लूप लिखते हैं फॉर आई इक्वल टू वन सेमी कॉलन आई लेस देन और इक्वल टू पावर सेमिकोलन इंक्रीमेंट आई आई प्लस प्लस पैरथिस क्लोज और नीचे ब्रेसिस के साथ हम फॉरलुप की बॉडी लिखते हैं सो ओपनिंग क्लोज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस आप बना लीजिए लिख लीजिए और फिर उसके अंदर टाइप करेंगे देखें आई प्लस प्लस भी इस्तेमाल हो गया पिछली दफ़ा हमने बात की थी कि जी इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है सो दिस इज़ वेर इट इज़ यूज अगेन आई एम यूजिंग एन ऑब्वियस काउंटिंग सीक्वेंस आई इक्वल टू वन लेस देन और इक्वल टू पावर तक सो so, नेचुरली हम गिनती शुरू करते हैं एक दो तीन हम कभी जीरो वन टू नहीं करते लेकिन होपफुली वन यू बिकम ए कम्प्लीस सी प्रोग्रामर आपकी गिनती ज़ीरो से शुरू हो रही होगी एनी अदर सी प्रोग्रामर वुड हैव रिटन और है एन एक्सपीरियंस सी प्रोग्रामर वु रिटर्न फॉर आई इक्वल टू जीरो सेमीकोलन आई लेस दैन पावर सेमीकोलन गिनती करनी है जीरो से लेस देन की गिनती उतनी ही होगी जो कि वन से लेस देन और इक्वल टू की गिनती है सो दिस इज अगेन समथिंग दैट यू विल बिल्ड अप ओवर एक्सपीरियंस एंड अ मैटर ऑफ प्रोग्रामिंग स्टाइल यूज़ वट एवर यू आर कम्फर्टेबल विद अब फॉर लूप की बॉडी के अंदर आते हैं बॉडी के अंदर हमने क्या करना है वी वॉन्ट टू एक्यूमुलेट द इन टू द वेरिएबल कॉल रिजल्ट एक्स की मल्टीप्लीकेशन रिज़ल्ट के ऊपर देखा हमने इनिशलाइज किया था बाय वन सो हेयर वी से रिजल्ट इक्वल्स result times x. So result star x semicolon. But why should we write it like this? We already have an operator. Jaha pe hum compound operator is kar sakti So let's use that. So we say result star equals x semicolon and it is read as result equals result multiplied by x. That is the end of the for loop. So for loop power times jaligi और रिज़ल्ट में x पावर टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा विच मीनस x टू द पावर n या पावर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा अब एक आखिरी हिस्सा रहता है वो ये है कि जी इस रिज़ल्ट को वापस करना है सो फॉर लूप जब ख़त्म होती है उसके क्लोजिंग ब्रेस के बाद हम कह देते हैं रिटर्न रिज़ल्ट सेमी क्लोजिंग ब्रेस फंक्शन कम्प्लीट सो क्वाइट सिंपल वेन वी से रिटर्न रिज़ल्ट तो ये आंसर जो है ये कॉलिंग प्रोग्राम को चला जाएगा अब लेट सी के जी इस फंक्शन जो हमने बना लिया है इसको कॉल कैसे किया जाए सो वी विल राइट अ लिटल मेन टू कॉल दिस प्रोग्राम इन दिस केस अगेन सिंस वी वांट टू सी द रिजल्ट्स वी विल स्टार्ट आउट विद शॉप इंक्लूड आई योर स्ट्रीम डॉट एच एंड सो ऑन फिर मेन आ गया प्रिंथिस और राधा ओपनिंग ब्रेस आ गई उसके बाद हम लेट से हम यूज़र से इनपुट लेते हैं कि जी कौन सा नंबर और उसको किस पावर पर रेज करना है सो so, Be polite, use a see out statement to say please enter the number or C in Kesat Hamuski value get karle I I won't go over the details, but that's basically what you want to do. Then again give a prompt, say c out, um, please enter the integer power that you want this number raised to, or c in kessat up value lele Suppose the number is in a double variable called x and the power is in a double variable called i. वो हमने डिक्लेयर किए सी इन के साथ वैल्यूज़ असाइन हो गई अब आती है फंक्शन कॉल तो हम डायरेक्टली किसी को असाइन नहीं करते हम उसका आंसर ही प्रिंट करा देते हैं सो वी कैन राइट समथिंग लाइक अ कंपाउंड सी आउट स्टेटमेंट टू प्रिंट द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन एंड वी से सी आउट लेस दैन लेस दैन विद इन कोटेशन मार्क्स द स्क्र और राधा एक्स रेज टू द पावर एन और ये एक्स और एन की जगह पे आप नंबर की वैल्यूज़ प्रिंट करें ठीक है वो कोटेशन मार्क्स के बाहर आएँगी वेरिएबल के नाम आएंगे और फिर एंड पे आप कह दें इज इक्वल टू कोटेशन मार्क्स के अंदर और फिर लेस देन लेस तैन अब यहाँ पे आप सीधा फंक्शन कॉल लिख सकते हैं और ये फंक्शन कॉल होगी रेज टू पाओ ओपनिंग पैरथिस एक्स कॉमा आई क्लोजिंग पैरेंथसिस सेमी कॉलर देखें जहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल किया है वहाँ पर मैंने डबल इंट वगैरह कुछ नहीं लिखा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो वन यूजिंग द फंक्शन इन साइड अना द प्रोग्राम यू डोंट शो कि जिसकी रिटर्न टाइप डबल है इसको एक डबल और एक इंट पास हो रहा है वो डेक्लरेशन और डेफिनेशन का हिस्सा है वो हो चुका अब है एक्चुअल फंक्शन कॉल की बारी तो फंक्शन कॉल सिंपली इस्तेमाल होता है नेम ऑफ द फंक्शन एंड द आर्गमेंट लिस्ट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स अब वॉट डू यू एक्सपेक्ट कि जब यह फंक्शन रिटर्न होगा होपफुली एवरी थिंग कंपाइल रन फाइन उसकी स्क्वेयर की वैल्यू या टू power एन की वैल्यू आ गई आपने प्रिंट करवा ली जो ओरिजिनल वैल्यू थी एक्स की और जो ओरिजिनल वैल्यू थी आई की उनको क्या होगा ठीक कैन यू गिव दैट अ थॉट एग्जैक्टली जैसे पहले हमने बाइनरी ऑपरेटर्स की बात की थी कि जी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी हमने कहा था जी ए को और बी को कुछ नहीं होता वो कहीं पे कैलकुलेशन होती है उसका रिजल्ट एक्स को असाइन हो जाता है तो एक्स इज अफेक्टेड बट ए एंड वी आर नॉट टच्ड इन दिस केस आल्सो व्हेन वी से रेज टू द पावर एक्स कॉमा आई ना एक्स को कुछ हो रहा है ना आई को कुछ हो रहा है सिर्फ उनकी वैल्यूज़ इस्तेमाल हो रही हैं किसी कैलकुलेशन के अंदर और कैलकुलेशन के बाद उनकी वैल्यू कहीं पर या असाइन हो रही है या हम प्रिंट कर रहे हैं डिस्प्ले कर रहे हैं सो दे मेनी थिंग्स वी कैन डू विद इट प्लस वीज बी अवेयर ऑफ दिस दैट नथिंग इज़ हैपनिंग टू द आर्गूमेंट्स दैट व पास टू द फंक्शन ये बाद में जाके हम देखेंगे कि इसको चेंज कैसे किया जा सकता है बट फॉर द मोमेंट इसको हम इसको एक नाम देते हैं हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस के ऊपर इन डिटेल जाएंगे आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि जी हम कॉल बाई वैल्यू करते हैं सो so जो आर्गमेंट्स पास होते हैं फंक्शन को फंक्शन उनकी वैल्यूज नहीं बदल सकता कॉलिंग प्रोग्राम में अपने पास उनकी एक कॉपी चली गई उस कॉपी के साथ जो मर्जी करे ठीक है ना मेन प्रोग्राम में या कॉलिंग प्रोग्राम में कुछ नहीं होता सो यू हैव टू हैव अ फंक्शन हर का कॉन्सेप्ट कि जी देर इज़ अ कॉलिंग प्रोग्राम एंड देर इज़ अ कॉल्ड प्रोग्राम सो द कॉल्ड प्रोग्राम इज़ आर सब फंक्शन और द फंक्शन दैट वी नॉर्मली कॉल लेट्स गो ऑन एंड लुक एट वन मोर एग्जाम्पल दैट विल बी द एरिया ऑफ द रिंग और ये कोड री की तरफ अब मैं जा रहा हूँ ठीक है ना सो लेट्स लुक एट हाउ डू वी प्रोग्राम दैट सो इफ़ यू रिमेंबर वी है स्पोकन अबाउट कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अ रिंग मैंने कहा था कि जी एक रिंग जो है इट बेसिकली कंसिस्ट कन्सिस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो अगर हमें सर्कल्स का एरिया निकालना आता हो तो आप बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो एरिया बचेगा वो रिंग का एरिया होगा सो इन अ वे वॉट वी नीड Is a function to calculate the area of a circle. So hopefully, you all know what it is. Pi r squared. Remember? where r is the radius of the circle. Pi r squared represents the area of the circle. So, let's first write the function to calculate the area of a circle, and then use it in a program to calculate the area of a ring. So, our function will return the area. Area should be of type डबल, यू कॉन्ट एक्सपेक्ट कि जी पाई के साथ किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो इंटीज़र रिटर्न हो रहा हो सो इट इज़ डबल, फिर फंक्शन का नाम लिखना है लेट्स यूज़ अ डिस्क्रिप्टिव नेम रूल्स ऑफ गुड प्रोग्रामिंग सो से सर्कल एरिया वन वर्ड यू कैन जस्ट यूज सर्कल एरिया और इसको एक चीज़ पास करनी है क्या चीज़ चाहिए हमें भाई आप कह सकते हैं जी पाए पास करना है और रेडियस पास करना है तो पाए तो एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है so why should we pass its value we'll use it as a constant so we only need to pass a radius to this function so we say double circle area parentheses me double radius parenthesis closed so the variable which is holding the value of radius is called radius simple again using a name that means something curly braces open close andar me body of the function बॉडी ऑफ द फंक्शन इन दिस केस अगेन इज एक्सट्रीमली सिंपल इट्स अ सिंगल लाइन यू कैन जस्ट रिटर्न द वैल्यू इन द सेम लाइन कैलकुलेट करके साथ ही रिटर्न कर दें सो वी स रिटर्न पाई की वैल्यू कोई भी डेसिमल प्लेसिस तक ले लें थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन टू सिक्स बहुत काफ़ी है टाइम्स स्टार रेडियस स्टार रेडियस सेमिकोलन खत्म फंक्शन लिखा गया सो दैट लाइन विच हैज़ रिटर्न 3.1415926 times radius times radius is doing the computation and returning the result of type double to whichever program needs to use this function function now let us go and write a program that will use this function so to main or iostream stream iaga because it is the program where we want to start let us start out by requesting from the user कि जी वो रिंग के आउटर और इनर सर्कल्स के रेडियाई बताए सो वी से सी आउट प्लीज एंटर द आउटर रेडियस वैल्यू ठीक है और हमने डिक्लेयर कर रखे हैं दो वेरिएबल्स लेट्स कॉल देम रेड वन एंड रेड टू विच आर ऑफ टाइप डबल, एंड रेड वन विल कंटेन द बिगर सर्कल्स रेडियस एंड रेड टू विल हैव द स्मॉलर सर्कल्स रेडियस सो हमने ट्रॉम्प दे के हमने कहा सी इन रेड वन फिर दूसरा प्रॉम्प्ट किया कि जी सी आउट समथिंग लाइक प्लीज़ एंटर द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल और सी इन ग्रेटर देन ग्रेटर देन रेड टू हर चीज़ के बाद सेमी कॉलन आ रहा है यू नो दैट ऑलरेडी अब आती है फंक्शन कॉल के जी अब हमने एरिया ऑफ द रिंग कैलकुलेट करना है सो लेट्स हैव अ वेरिएबल वो भी ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है समथिंग लाइक डबल रिंग एरिया आपने यहाँ पे लिखा रिंग एरिया इक्वल्स सर्कल एरिया रेड वन क्या चीज़ रिटर्न करेगा द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस वन एंड वी हैव सेड दैट विल बी द आउटर रेडियस रिंग का एरिया चाहिए तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट समथिंग सो वी से माइनस सर्कल एरिया रेड टू सेमिकोलन खत्म अब देखें दो तीन चीज़ें हमने यहाँ पे की जस्ट टू एग्जाम्पलीफाई लेफ्ट साइड पर तो एक सिंपल वेरिएबल आ गया रिंग एरिया

अब हमारे पास रिंग एरिया आ गया है वी कैन से सी आउट द एरिया ऑफ़ द रिंग हैविंग इनर रेडियस दिस मच एंड आउटर रेडियस दैट मच इज़ रिंग एरिया सो आई वोंट गो इन टू द यू कैन सी दैट इन योर हैंड आउट्स आप ख़ुद भी लिखें सो इट्स क्वाइट सिंपल ये एक हमारा मेन फंक्शन है जो कि एक फंक्शन को कॉल करता है अगेन रेड वन इन रेड टू जब फंक्शन में पहुंचते हैं तो एक दफ़ा एक जा रहा है और उसका नाम वहाँ पे फंक्शन के अंदर एक और वेरिएबल में बैठा हुआ है नेम रेडियस एंड दैट मेक्स इट ऑबियस कि जी रेड वन की वैल्यू को कुछ नहीं कर रहा सर्कल एरिया फंक्शन जो है वो तो एक कॉपी उसकी पास हो गई है रेड टू की एक कॉपी पास हो गई यानी वैल्यू पास हो गई है और वैल्यू के साथ उसने कैलकुलेशन करके रिजल्ट वापस दे दिया है फिर हमने देखा कि जी राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट स्टेटमेंट वे वी सेट रिंग एरिया उसके अंदर एक ही फंक्शन की दो दफ़ा कॉल्स आ गई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है द फंक्शन दैम सेल्फर यूज इन एन अरेथमेटिक एक्सप्रेशन Something like i minus j. So we said circle area red one minus circle area red two. So you can use functions in expressions, as long as the the return value of the function makes sense in that expression, or perunka result you have assigned kar So it's quite simple. The function mechanism jo hai, it is fairly simple, and the functions are extremely versatile. inko istemal call just two chote rules you cannot assign something to a function. So a function doesn't occur on the left hand side of an assignment statement. You can say uh, something like some other variable equals two times circle area. So two star, circle area red 1. That's valid. It's a valid arithmetic expression. So functions can form part of arithmetic expressions as long of course as they are returning an arithmetic value. But of course, as I said earlier, फ़ंक्शंस कैन इधर नॉट रिटर्न अ वैल्यू और कैन रिटर्न अ वैल्यू ऑफ एनी वैलिड डेटा टाइप सो बहुत सारी फ्लैक्सीबिलिटी इसके अंदर है क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं फंक्शंस को लेट्स गो बैक एंड थिंक अबाउट इट अ लिटल बिट मोर देखें इस एग्जांपल से हमें क्या चीज़ पता चली मेन चीज़ कि जी कोड री हो गया सर्कल एरिया हमने दो दफ़ा कॉल कर लिया है एक दफ़ा रेड वन के साथ एक दफ़ा रेड टू के साथ तो हमने दो दफ़ा कोड नहीं लिखना पड़ा अगर हम फंक्शन ना इस्तेमाल करते तो मेन प्रोग्राम इस तरह भी लिखा जा सकता था कि जी रिंग एरिया इक्वल्स थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन टू सिक्स टाइम्स रेड वन टाइम्स रेड वन माइनस वही पाई की वैल्यू टाइम्स रेड टू टाइम्स रेड टू इतने सिंपल प्रॉब्लम के अंदर फंक्शन की ज़्यादा यूज़ नज़र नहीं आता लेकिन इनकेप्सुलेशन आपने देख ली कि जी एक सर्कल एरिया एक फंक्शन और भी किसी काम आ सकता था हमने वो लिख लिया और उसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं सो देर इज़ अ री यूज़ ऑफ़ द कोड एज़ पर द रूल्स और सम गाइडलाइंस मेन्शन द फंक्शन परफॉर्म्स अ वेरी स्पेसिफिक टास्क वेरी क्लियर सर्कल का एरिया कैलकुलेट करता है रिंग शिंग का उसको कुछ नहीं पता वो मेन प्रोग्राम का काम है एंड सो ऑन सो यू कैन बिल्ड अप इन मॉड्यूलर फॉर्म from smaller building blocks, you can build up more and more complex programs. अब यहाँ पे एक मैंने बात की थी definition और declaration की उसके बारे में थोड़ा सा recap कर लेते हैं क्योंकि that is also important to understand. पहले हमने जब बात की थी about function declaration and then of definition, तो मैंने आपको बताया था कि देखें अगर हम कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें उसका इस्तेमाल आना चाहिए यानी हाउ टू कॉल अ फंक्शन अगर फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो कहीं बाद में आ रही है प्रोग्राम के अंदर इट्स अ सेपरेट मॉड्यूल इट कम्स बिलो द कॉलिंग प्रोग्राम देन द कॉलिंग प्रोग्राम नीड्स टू नो हाउ टू कॉल द फंक्शन एंड वॉट डज इट रिटर्न उसके लिए हम उसकी डिक्लेरेशन ऊपर दे देते हैं ठीक है सो इट्स अ सिंगल लाइन डेक्लरेशन देन वी कैन यूज़ द फंक्शन और फिर उसके बाद में डेफिनेशन वगैरह हम इस्तेमाल मतलब डिफाइन कर देंगे और फिर कंपाइलर जो है वो उसको इट टेक्स केयर ऑफ थिंग्स इन एवरी थिंग इज़ ऑल राइट अगर हम ऊपर डेक्लरेशन नहीं डालेंगे तो कंपाइलर कंप्लेन कर देगा जब उस लाइन पर पहुँचेगा कि जनाब ये डेफिनेशन तो मुझे पता नहीं है तो आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं इस नाम को सो वी कैन यूज़ दैट फॉर दिस पर्पज़ विच इज़ मोर स्टाइलिस्टिक where do we place the function after the calling program or before the, falling, the calling program if we place it as i mentioned earlier before the calling program no problem just go ahead and use it you do not need a separate declaration but if it comes afterwards you need a separate declaration header files, <laughs> 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 but is fact, i want to look at it from a different point of view हमने ये लेक्चर आज के बाद जो है शुरू की थी सेइंग कि जी वी वांट टू गो टॉप डाउन वी वांट टू डिवाइड एंड कॉन्कर वी वांट टू टेक अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड ब्रेक इट अप इनटू स्मॉलर पार्ट्स इन अ वे द डेक्लेशन जो है इसका एक दूसरा नाम भी है प्रोटोटाइपिंग या गिविंग अ फंक्शन प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप का मतलब होपफुली आपको आता होगा जब भी हम कोई चीज़ पहली दफ़ा बनाते हैं तो उसका एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं मे बी इट इज़ नॉट अ फुली फंक्शनल थिंग मे बी ये है कि जी एक गाड़ी हमने नई बनानी है तो उसकी शक्ल सूरत क्या होगी कोई तस्वीरें बनाते हैं कोई लकड़ी का ढांचा बनाते हैं कहते हैं जी ऐसी लगेगी बाद में जब मैनुफेक्चर की बारी आती है तो हम उसके वो डिटेल्स और हर चीज़ कम्प्लीट करते हैं इन अ वे द डलरेशन यूज एज अ प्रोटोटाइप इज़ अ गुड वे ऑफ अरेंजिंग योर थाट्स सो यू कैन ब्रेक अप लेट से ये हमारा रिंग uh, एरिया वाला जो प्रॉब्लम था हम कहते हैं कि जी रिंग एरिया के अंदर हम एक सर्कल एरिया वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे सर्कल एरिया को हम रेडियस पास करेंगे और वो एरिया ऑफ़ द सर्कल रिटर्न करेगा तो उसकी प्रोटोटाइप इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन डेक्लरेशन ऊपर लिख दें और अपना प्रोग्राम लिख लें जो कि रिंग एरिया को कैलकुलेट करता है जब ये लिखा गया नाउ वी कैन वरी अबाउट कि जी हमारे पास एक फंक्शन है जो डिफ़ाइन होना रहता है तो वो आराम से हम डिफाइन कर लेते हैं सो इन अ वे वी आर फॉलोइंग अ टॉप डाउन मैथडोलॉजी So the declaration can be viewed as prototyping of the function. Keep that in mind because it's a different way of looking at things. So breaking a program up into smaller modules, nam arguments kya and so on. And therefore, we are using it as a prototype, the definition can wait. Okay. That is one way of looking at the declaration and definition issue. अब देखें कि जी हमने आज दो तीन छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखे और उनको इस्तेमाल किया एक हमने रेज टू पावर लिखा था एक ये एरिया वाला लिखा था रिंग एरिया वाला आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं ठीक है ना? ये प्रोग्राम्स होपफुली आपके पास हैंड आउट्स में मौजूद होंगे यू कैन पंच द मैन रन दैम योर सेल्फ मेक दैट दे वर्क हाउ डू यू एड सम फंक्शनैलिटी हाउ डू यू एड सम मोर फीचर्स इन टू दीज प्रोग्राम्स I will give you some hints or ideas and you can work with them. Let us take the raise to power function first. If you as written that function only works with positive powers, that variable if a positive integer, then this function will karega. If it is 0 then what will You have to worry about it. You think about it, maybe it already returns the correct value, maybe it does not.

Zero and positive powers of x. Let's see how you do that. This is an exercise for yourself. Same thing applies to the other little program that we did, which was the ring area problem. Uske andar choti si cheez humne kuch main program ke Hamne ka ji enter the area of the outer circle, so red one ke andar le gaye aur red two ki value le What happens agar user jo hai wo red one ki value छोटी दे दे और रेड टू की वैल्यू जो है वो बड़ी दे दे विल दैट वर्क वॉट यू हैव टू वरी अबाउट इज पुट इन सम एर चेकिंग अगेन पोलाइट सो इफ द यूज अन्स के जी आउटर सर्कल छोटा है और इनर सर्कल बड़ा है विच मीन्स यू विल प्रॉबली गेट अ नेगेटिव आंसर फॉर द रिंग एरिया यू शुड पुट इन सम एर चेक इफ रेड वन इज लेस देन रेड टू Give some message that the outer circle must be larger. If red one is equal to red two, and remember, equality ka operator is double equal to sign. Then or ki that ring to not banana outer circle inner circle barabar equal, then zero answer आएगा. So you could put in some error checking. Error checking is also an essential part of programming. Whenever you take input from the user, you must make sure that all cases are handled. सो यू मस्ट मेक श्योर कि जी द वैल्यूज़ दैट यू एक्सपेक्ट टू यूज़ इन द कम्पटेशन आर वैलिड वैल्यूज़ सो एर चेकिंग भी कीजिएगा सो लेट्स डू अ क्विक रिकेप ऑफ वॉट वी डन टूडे आज का मेजर पोर्शन हमने फंक्शनस के लिए हमने टाइम डिवोट किया और फंक्शनस को हमने इस्तेमाल इस तरह से किया कि जी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को तोड़ के छोटे छोटे हिस्सों में बना के हम प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं Which is the top-down structured approach. Each function should be a small module, self-contained, and it should solve a well-defined problem. Okay. That is important. Do not artificially divide into little pieces which do not have any worth. Wo ho jati hai. So a well-defined chota have wo-defined ho self-contained ho. Variable naming wohi useful name is tamal फंक्शन के नाम जो हैं वो भी उसी तरह के हों कि देर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सो द कोड बिकम्स रीडेबल ऑलवेज रिमेंबर टू कॉमेंट योर कोड लॉट्स ऑफ कॉमेंट्स एट द टॉप ऑफ अ फंक्शन यू शुड गिव एट द वेरी लीस्ट कि जी ये फंक्शन करेगा क्या एंड सो ऑन सो फोर्थ अगले लेक्चर में वी विल वरी मोर अबाउट कॉलिंग बाई वैल्यू एंड कॉलिंग बाई रेफरेंस सो टिल देन खुदा हाफिज़